हेलो स्टूडेंट्स, दिस आशीष कुमार शर्मा फ्रॉम GPC बारा और आज हम लोग इंटीग्रेशन के चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे जिनकी सहायता से आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिराइव किए थे यूजिंग डिफरेंशिएशन अवकलन के फॉर्मूलों की सहायता से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिराइव किए थे। अब जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है और आगे भी आप लोगों को ये रिजल्ट्स काम में लेने हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ रिजल्ट्स आप आज देखेंगे ताकि कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आप लोग सॉल्व कर पाए इंटीग्रेशन की, जो जिनमें दो तीन फॉर्मूले इन्वॉल्व हो। तो नंबर एक रिजल्ट है, किसी अचर k के लिए अगर k कोई कांस्टेंट है और उसको किसी फंक्शन f से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो kf एक नया फंक्शन आपको मिल रहा है, उसका इंटीग्रेशन जो है वो आपको मिलेगा k टाइम्स इंटीग्रेशन fx dx। अर्थात किसी अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन उस अचर तथा फलन के समाकलन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका छोटा सा प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो फाइव एक्स। सपोज अगर ऐसा है तो एंटी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स इजिकल टू एफ एक्स है। अब चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ के फाइव एक्स के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स होता है अवकलन के रिजल्ट से कि कॉन्स्टेंट टाइम्स फंक्शन का गुणा है अगर अवकलन में, तो दैट इज के टाइम्स अवकलन हो जाएगा फलन का। और डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स हम लोग जानते हैं यहां से क्या है, के एफ एक्स। अब पुनः उसी तरीके से कि अगर के फाइव एक्स का अवकलन के एफ एक्स है तो के एफ एक्स का समाकलन के फाइव एक्स होगा। तो ये आपको इम्प्लाई करता है एंटी डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से कि इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स फाइव एक्स। परंतु हम लोग जानते हैं कि फाइव एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सो दैट इज के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये बहुत आसानी से रिजल्ट आपका प्रूव हो जाता है। यहाँ पे आप लोग प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे, जो जनरल इंटीग्रल हम लोग मान रहे हैं या जनरल एंटी डेरिवेटिव हम लोग मान के चलते हैं, उससे भी इसको लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो है इसलिए प्रूफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसको किस तरह से यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज एक इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है टू एक्स डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्शन डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। परंतु यहाँ पे टू एक्स डी एक्स है तो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो ऊपर वाला रिजल्ट है उसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं कि मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो चूंकि दिस इज कॉन्स्टेंट टाइम्स सम फंक्शन है तो आप कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं। टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स, नाउ एक्स का अवकलन आप इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, सो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते थे परंतु टू टाइम्स सी भी एक नया कॉन्स्टेंट होता इसलिए उसको नया सी वन नाम दे सकते थे हम लोग। ओके, इसलिए कॉन्स्टेंट लगाने में केवल कॉन्स्टेंट आपको इंटीग्रेट करते समय कॉन्स्टेंट केवल लास्ट में एड कर देना है क्योंकि बाकी सभी कांस्टेंट मिलके एक ही कांस्टेंट बनाते हैं। इसी तरह से एक और रिजल्ट हम लोग देखें यहाँ पे, ये कांस्टेंट टाइम फंक्शन का था। अब मान लो कोई दो फंक्शंस एफ वन और एफ टू आपको दिए हुए हैं और इनका सम या डिफरेंस आपको दिया हुआ है इंटीग्रल में, तो इस तरह को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन उन दो फलनों के समाकलन के योग या अंतर के बराबर होता है। अर्थात एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स। इसको भी आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं, माना इंटीग्रल एफ वन एक्स डी एक्स बराबर फाइव वन एक्स है तथा इंटीग्रल एफ टू एक्स डी एक्स बराबर फाइव टू एक्स। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि अगर f1 का समाकल फाइव वन है तो फाइव वन का अवकलन f1 है, सो दिस इंप्लाइज d बाई डी एक्स ऑफ फाइव वन एक्स इज इक्वल टू
f1x and d by dx of phi 2x is equal to f2x. Now, in differentiation के theorem से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो फलन आपने लिए और उनके योग या अंतर का आप differentiation करते हैं, तो उन दो फलनों के differentiation का योग या अंतर के बराबर होता है. So that is d by dx of phi 1x plus minus d by dx of phi 2x. And चूंकि हम लोग जानते हैं d by dx of phi 1x is f1x and d by dx of phi 2x is f2x. So this. तो f1x plus minus f2x का एंटी डेरिवेटिव आपको 5x plus minus 5x मिल रहा है, तो एंटी डेरिवेटिव की परिभाषा से आप लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल f1x plus minus f2x dx is equal to 5x plus minus 5x. But we know 5x is integral f1x dx and 5x is integral f2x dx. तो आप देख सकते हैं कि दो फलनों के योग या अंतर का समाकल उन दोनों फलनों के समाकलन के योग या अंतर के बराबर होता है. इससे क्या फायदा है? आपको मान लो दो फलन इस तरह से दिए हुए हैं या इंटीग्रेंड इस तरह से दिया हुआ है कि दो फलनों का योग है या अंतर है जो कि जिनके फॉर्मूले आप लोग जानते हैं, तो आप ये वाला थ्योरम या रिजल्ट यूज करके उस इंटीग्रेशन को आसानी से हल कर सकते हैं. जैसे एक सवाल मैं लेता हूं यहाँ पे, इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है. अब चूंकि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, परंतु ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो ये रिजल्ट आपकी हेल्प करेगा. आप इनको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स. अब दोनों फॉर्मूले आप लोगों को पता है, सो दैट इज ई पावर एक्स प्लस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है. हम लोग कहें कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा और ये आपको मिलेगा. और लास्ट में आप क्या लगा दे? प्लस सी. अब यहां भी आप ई एक्स प्लस सी वन लिख सकते थे और दिस प्लस सी टू लिख सकते थे, पर सी वन प्लस सी टू फिर से कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं, इसलिए आप इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो सी लास्ट में लगा है. अब इन दोनों रिजल्ट को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. अगर आपको कुछ इस तरह से मिले ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू एक्स डी एक्स, तो हम लोग इन दोनों रिजल्ट की सहायता से इनको अलग अलग कर सकते हैं. पहले हम लोग सम, दो फलनों के सम का समाकल उन फलनों के समाकलन के योग के बराबर होता है, और फिर किसी अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन अचर और फलन के समाकलन के गुणनफल के बराबर होता है. दोनों रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. इस तरह से मान लो n नंबर ऑफ फंक्शंस आपको दिए हुए हैं जिनका सम या अंतर दिया हुआ है, तो उनको भी आप इस रिजल्ट्स के जनरलाइजेशन की सहायता से आप आसानी से लिख सकते हैं. मान लो n फलन आपको दिए हुए हैं एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ एन एक्स डी एक्स, इनका समाकलन आपको करना है, तो इनके अलग अलग समाकलन करके आप लोग एड कर दें. इस तरह से ये बड़े समाकलन भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेट करना है 5 ई पावर एक्स प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाई एक्स डी एक्स, तो यहां पे एक से ज्यादा फलन है और इस तरह के फलन है कि उनके फॉर्मूले आप लोग जानते हैं, परंतु इनको अलग अलग करने की आवश्यकता है, तो ये रिजल्ट आपकी सहायता करेंगे. यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 5 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स. सो दैट इज 5 ई पावर एक्स प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हम लोग जानते हैं 10x होता है, क्योंकि 10x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स है, माइनस 4 1 बाई एक्स का समाकलन आपका होगा log x, और ये लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c. तो इस तरह से आप लोग जो बेसिक फॉर्मुलेज पे डिपेंडेंट सवाल है उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और इन रिजल्ट्स की सहायता से आप लोग थोड़े से लंबे सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं. धन्यवाद.